हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी कक्षा 11वीं यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड को, जिसमें हम लोगों ने अपना अध्याय 3 जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है उनकी व्याख्याओं को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कवितावली, गीतावली और भ्रमर गीत को पढ़ा है, सॉरी भरत महिमा को पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने भरत महिमा, गीतावली और कवितावली की व्याख्याओं को पढ़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी तीसरे अध्याय में जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसमें दोहावली को हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो दोहावली की आज हम इस भाग में व्याख्याओं को देखेंगे। इसके बाद बच्चों आपकी विनय पत्रिका की व्याख्या बची होंगी, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम लोग का जो टारगेट है वो है दोहावली की व्याख्याओं को पढ़ना और समझना। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी दोहावली की सुंदर सुंदर व्याख्याओं को। प्यारे बच्चों, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली है यह नीति प्रक दोहावली है। ठीक है, यहाँ पे नीतियों की बात की गई है, नीतियों के बारे में यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। चलिए उन एक एक दोहों को देखते हैं और उनको समझते हैं, उनकी व्याख्याओं को समझते हैं। क्या है पहली जो दोहा हमारा, वह है दोहावली का, हरो चरहि तापहि बरत, फरे फराहि फरे पसारहि हाथ, और तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। वाह, क्या बात कही है कि हरो चरहि, कि जब हरी, जब जो मैदान होता है, जब वो हरा भरा होता है, तो जो पशु पक्षी होते हैं, जो पशु होते हैं, वह आकर के उसे चर जाते हैं। ठीक है, हरो चरही अर्थात जब हरा भरा होता है मैदान, तो उस मैदान को पशु आ करके क्या कर जाते हैं? चर जाते हैं। तपही बरत, और जब वही घास क्या होती है? सूख जाती है, तो उसे जला करके लोग क्या करते हैं? ताप लेते हैं। ठीक है, तपही बरत यानी बरत का अर्थ होता है सूखने पर। ठीक है, तापही मतलब जला करके ताप लेते हैं, फरे मतलब फरना, पसारे हाथ, और जब पेड़ों पर फल फर आते हैं, फल उगाते हैं, तो लोग उसे हाथ फैला करके क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं खाने के लिए। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? तो यह लाइन आपको समझ में आई होगी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैदान हरा भरा होता है तो पशु आकर के उस घास को चर जाते हैं, अगर वही घास सूख जाती है तो लोग उसी घास को क्या करते हैं? जला करके ताप लेते हैं, और जब पेड़ों पर फल उगाते हैं, फल फर आते हैं, तो लोग उन फलों को क्या करते हैं? हाथ फैला करके तोड़ लेते हैं और उसे खा लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से इस संसार में जो भी लोग हैं सब एक दूसरे से स्वार्थवश ही मीत अर्थात मित्रता रखते हैं, परमार्थ रघुनाथ, केवल परमार्थ के लिए। ठीक है, केवल परमार्थ के लिए, जो निस्वार्थ भाव से हमें चाहता है, जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ रहता है, वह केवल केवल हमारे प्रभु श्री राम हैं। कौन है वह? केवल हमारे प्रभु श्री राम है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा क्या है? मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव ने हूँ, और तुलसी तीनों तब फबय जो चातक मत ले हूँ। अब आगे क्या है? मान राखिबो, जो सम्मान रखता है, मांगिबो पियसो, ठीक है, जो सम्मान रखता है, ठीक है, सम्मान मांगता है, ठीक है, जो सम्मान को रखता है, जो सम्मान मांगी वो मतलब मांगता है, पियसो नित नव नेहु, नव मतलब नया, और पियसो, और जो प्रेमी अपनी प्रेमिका से नित नया प्रेम करता है, नित नवीन प्रेम करता है, तुलसी तीनों सब तब फबे, और तुलसीदास कहते हैं कि यह तीनों तभी फबते हैं, तभी सुंदर प्रतीत होते हैं, जो चातक मत ले हूँ, जब लोग चातक के गुण की, ठीक है, चातक के गुण का अनुसरण करते हैं, कि यह तीनों चीज़ें तभी फबती हैं, तभी शोभायमान होती हैं, जब लोग चातक के गुणों का अनुसरण करते हैं। क्या है? अब पहले चातक के गुणों को समझ लेते हैं। चातक का गुण क्या होता है बच्चों? चातक जो होता है वह कभी भी अपने शीश को झुका करके चोंच से नदी का जल नहीं पीता है। जब स्वाति नक्षत्र की वर्षा हो, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तब यह अपने मुंह को ऐसे ऊपर की ओर करता है, मुंह खुला रखता है, और जो भी बूंदें उसके मुख में चली गई उन्हीं से अपनी प्यास को बुझाता है, उसके बाद यह बिल्कुल भी पानी नहीं पीता है। तो कहने का अर्थ है कभी भी किसी से कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, ठीक है, मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए फोर्सफुली, वो बात यहाँ पे बताई गई। तो क्या है? मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव ने हु, और तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मतले हु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मान
रखता है, जो मान की रक्षा करता है, मान को मांगता है, और जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को नित नवीन प्रेम करता है, नए प्रकार से प्रेम करता है। तुलसीदास जी कहते हैं यह तीनों चीज़ें तभी फबती हैं, तभी सज्जा कह सकते हो शोभायमान होती हैं, जब इन तीनों जब लोग चातक के गुणों का अनुसरण करते हैं। ठीक, जब यह तीनों चीज़ें तभी फबती हैं, तभी सजीली लगती हैं, तभी सुंदर लगती हैं, जब चातक के गुणों का क्या होता है, अनुसरण होता है। आशा करता हूँ बच्चों यह पद्यांश भी या दोहा भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं जाचत, ठीक है, नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं लेई, और ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन देई। अब यहाँ कह रहे हैं ना ही जाचत, मतलब याचना करना, जाचत का अर्थ है बच्चों याचना करता। ना ही यहाँ पे चातक की बात बताई गई कि जो चातक पक्षी है, ना तो वह कभी याचना करता है, ना ही संग्रही, ना ही वह कभी संग्रह करता है, शीश नाई नहीं लेई, और ना ही शीश झुका करके कभी किसी से कुछ मांगता है। यानी शीश, अब चातक क्या होता है, स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब बरसती हैं तभी वह जल ग्रहण करता है। तो यहाँ बताया गया है कि ना ही तो वह कभी बादलों से, जो आपका चातक पक्षी है, ना ही कभी बादलों से याचना करता है, ना ही कभी बादलों से बरसने वाले स्वाति नक्षत्र की वर्षा को संग्रहित करता है, ना ही शीश झुका करके बार बार बादल से वर्षा करने का आग्रह करता है। ऐसे मानी मांगने ही को, और इस प्रकार से मानी मांगने वाले को, मांगनी याचक को बारिद बिन देई, बादल के अलावा कौन कुछ दे सकता है, बादल के अलावा कौन ही या कोई ही कुछ और नहीं दे सकता, यानी बादल के अलावा और कोई कुछ उनको दे नहीं सकता। यानी चातक की प्यास को स्वाति नक्षत्र की बूंदे ही, बादल ही क्या कर सकती है, बुझा सकती है। आई बात समझ बच्चों, क्या है पुनः देख लेते हैं। ना ही जाचत ना ही संग्रही, चातक जो है ना तो बादल से याचना करता है, ना ही बादल से बरसने वाले स्वाति नक्षत्र की बूंदों को संग्रह करता है, ना ही वह बादल से बार बार सिर झुका के याचना करता है। ठीक है, इस प्रकार से मानी याचक को केवल बादल ही एक ऐसा है जो दान दे सकता है, उसके अलावा और ऐसा कोई नहीं है जो उसकी दान को उनको दे सके। आशा करता हूँ बच्चों यह दोहा भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल। मराली का मतलब होता है मोरनी, सॉरी हंसनी। ठीक, मराली का अर्थ होता है, सॉरी बच्चों, मराली का अर्थ होता है हंसनी। चलो मराली चाल और क्षीर नीर विवरण समय बक बक उघरत तेही काल। उसी समय बक उघरत तेही काल, उघरत मतलब पोल खुल जाना, उघर जाना। क्या है, चरण चोच लोचन रंगो, कि जो बगुला होता है भले ही वो अपने चरणों को रंग ले, भले ही अपने वह चोंच को रंग ले, भले ही वह अपने नेत्रों लोचन अर्थात नेत्रों को रंग ले, और भले ही वह मराली चाल हंसनी की तरीके चलने लगे छीन नीन विवरण समय, परंतु उसकी पोल तब खुल जाती है जब छीर नीर अर्थात जल और दूध को अलग करने की बारी आती है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। देखिए, हंस का एक गुण होता है प्यारे बच्चों, हंस और हंसनी का एक गुण होता है कि अगर आप दूध में उनको पानी मिला करके दे देंगे तो हंस या हंसनी जो भी होंगे वह दूध दूध पी लेंगे और पानी को वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यह उनके अंदर गुण होता है। उसी गुण की बात यहाँ कही जा रही है कि भले बगुला अपने चोंच लोचन और चरण को रंगवा ले, भले ही वह हंसों की तरीके चाल चलने लगे, परंतु उसकी पोल उस वक्त खुल जाती है जब क्या होता है, जल और दूध को अलग करने की बारी आती है, क्योंकि बगुले के अंदर यह गुण नहीं होता है कि वह दूध और जल को अलग कर सके। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ यह पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा क्या है, आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, और तुलसी सब कह जो भलो, सुज्जन सराही सोई। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपू आपू कह सब भलो, कि अपना ही अपना भला सब चाहते हैं, कि सभी कहते हैं कि मेरा भला हो, मेरा भला हो। अपने कहा कोई कोई, और कोई उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरे अपनों का भी भला हो। ठीक है, मतलब मेरे साथी संबंधियों का भी भला हो। क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब इस संसार में अपना ही अपना भला मनाते हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे अपनों का भी भला हो, और उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि तुलसी सब कह जो भलो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पूरे संसार की भलाई चाहता है, सुज्जन सराही सोई, उस व्यक्ति को जो सज्जन लोग होते हैं वह उनकी सराहना करते हैं। आई बात समझ में बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। क्या है बात, बात यह है
कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना अपना भला तो सब कहते हैं और उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपनों के भले की बात करते हैं, परंतु कुछ इस संसार में ऐसे हैं जो इस संसार की भलाई की बात करते हैं और ऐसे सज्जन व्यक्तियों की सराहना, ठीक, ऐसे व्यक्तियों की सराहना सज्जन व्यक्ति करते हैं। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश क्या है? ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग और होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखही सुलक्षण लोग। ठीक है, सुलक्षण का अर्थ है ज्ञानी। अग्रह का अर्थ होता है बच्चों ग्रह नक्षत्र, भेषज का अर्थ होता है दवा, जल का अर्थ है पानी, पवन का अर्थ है हवा और पट का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कपड़ा। ठीक है, अब पाई कुजोग सुजोग, अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रह दवा जल हवा और कपड़ा जब यह बुरी संगति पाते हैं तो बुरे हो जाते हैं और जब यह अच्छी संगति पाते हैं तो यह अच्छे हो जाते हैं। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, और इस संसार में जो भी कुवस्तु होती है, ठीक है, जो बुरी वस्तु होती है, ठीक है, जो कुवस्तु होती है, जो सुवस्तु होती है, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, और कोई भी अगर अच्छे का संगति मिल गई तो कुवस्तु सुवस्तु हो जाती है, और जो सुवस्तु होती है वह अगर बुरे की संगति में पड़ गई तो वह भी क्या हो जाती है, सुवस्तु हो, क्या कहते हैं, कुवस्तु हो जाती है। लखें सुलक्षण लोग, और यह सारे बातों को जो ज्ञानी लोग होते हैं वह जानते हैं। आई बात समझ में? क्या बताया गया है? या तुलसीदास जी कहते हैं जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो दवाई होती है, जो जल होता है, जो कपड़ा होता है, जो हवा होती है, अगर इनकी संगति अच्छे के साथ हो जाती है तो अच्छा योग बनता है, बुरे के साथ हो जाती है तो बुरा योग बनता है, और इन्हीं की संगति अगर अच्छे के साथ हो जाती है तो वह सुवस्तु कहलाती है, और इन्हीं की अगर किसी बुरे की संगति हो जाती है तो वह कुवस्तु कहलाती है। और इस प्रकार का जो इस संसार का गूढ़ रहस्य है, इस गूढ़ रहस्य को जो हमारे संसार के ज्ञानी लोग हैं वह जानते हैं। आए बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा क्या है? अगला पद्यांश जो सुनी समुझी अनीतिरथ, ठीक है, जो सुनी समुझी अनीतिरथ जागत रहे जुसोई और उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित ना होई। ठीक है, उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित ना होई। यहाँ क्या है? जो सुनकर समझकर अनीति में लगा हुआ है, अनीतिरत मतलब अनीति में लगा हुआ, कि जो सुनकर के जो समझ करके भी अनीति में लगा हुआ है, जागत रहे जो सोई, और जो जागते हुए भी सो रहा हो, अर्थात जो सब कुछ समझते हुए भी ना समझ रहा हो, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोगों को उपदेश देना उचित नहीं होता है। उपदेशिबो जगाइबो कि उपदेश जगाना, ठीक है, तुलसी उचित न हो, तुलसीदास कहते हैं उचित नहीं है, सही नहीं है। आई बात बच्चों समझ में? क्या कहते हैं पुनः देख लें कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनकर समझ करके भी अनीति में लगा हुआ है, जो जागते हुए भी सो रहा है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देना, उसे जगाना, तुलसीदास जी कहते हैं उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। आई बात प्यारे बच्चों समझ में? आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा क्या है? बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई और तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो हुई। अब यहाँ कहते हैं कि बरसत अर्थात बारिश होना, हर्षत लोग सब, जब वर्षा होती है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। करसत लखे न कोई, परंतु जब सूर्य क्या करता है, नदियों को जल का वाष्पीकरण करता है, उस चीज़ को उस समय को कोई भी देखता नहीं है। करसत का अर्थ है आकर्षण, एक करसत लखे न कोई, परंतु उस आकर्षण को कोई नहीं देखता है जिस समय सूर्य नदी के जलों को वाष्पीकृत करके अपनी ओर खींचता है। तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो हुई, और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा के सुभाग हैं कि जो राजा हैं वह भानु के समान है, सूर्य के समान है। ठीक है, यहाँ पे बात कही गई। प्यारे बच्चों यहाँ पे किसके विषय में बात की गई है? यहाँ पे बात यह कही गई है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वह प्रजा, मतलब कोई राजा कैसा होना चाहिए उसकी बात यहाँ बताई गई, कि राजा को इस प्रकार होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा से इस प्रकार से कर ले कि संसार को पता भी ना चले, और उसी कर का इस्तेमाल उस, ठीक है, प्रजा से राजा इस प्रकार से कर ले कि प्रजा को
ज़्यादा कष्ट ना हो वह आसानी से कर दे दें और उसी कर का इस्तेमाल राजा उनके कह सकते हो विकास कार्य में लगाए और उस विकास कार्य को देख करके जो लोग हैं वह अत्यंत प्रसन्न हो जाए। ऐसे जो राजा होते हैं वह भूप के समान होते हैं अर्थात सूर्य के समान होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। यहाँ बताया गया है कि बरसत हर्षत लोग सब, जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो सभी लोग क्या होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं, परंतु जिस समय वर्षा के जल को वर्षा के लिए सूर्य नदियों से जल का वाष्पीकरण करता है उस समय जो आकर्षण होता है उस आकर्षण को कोई नहीं देखता है और उस प्रजा के अत्यंत सुभाग हैं जिन्हें भानु अर्थात सूर्य जैसे राजा प्राप्त हुए। अर्थात राजा इस प्रकार का होना चाहिए जो अपनी प्रजा से इस प्रकार से कर ले कि प्रजा को कष्ट ना हो और फिर उसी कर को राजा को उनके विकास कार्य में इस प्रकार से लगा दे कि उन्हें देख करके प्रजा को प्रसन्नता हो और इस प्रकार के जो राजा होते हैं वह भानु के समान होते हैं, आपके सूर्य के समान होते हैं। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ यह पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। मंत्र गुरु अरुबैद जो, ठीक है, अरु का मतलब होता है अर और, ठीक है, मंत्र गुरु अरुबैद जो प्री बोले भय आस और राज धर्म तन तीन कर होई बिगे ही नास। ठीक है, अब क्या है यहाँ देखिए कि मंत्री, ठीक है, जो मंत्री है आपके, जो आपके गुरु हैं और जो वैद्य, जो आपके डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, प्री बोले भय आस, आपके भय के कारण आपसे प्रिय वचन बोल रहे हैं, ठीक है, यानी आपके लिए जो सच्चाई है उस सच्चाई को ना बोल करके आपके भय के कारण प्रिय वचन बोल रहे हैं, तो इनके इस प्रकार के प्रिय वचनों के कारण, मंत्री के कारण जो होता है वो राजा का राज धर्म नष्ट हो जाता है, गुरु के कारण धर्म नष्ट हो जाता है और वैद्य के कारण, वैद्य के इस प्रकार के होने के कारण क्या होता है, आपकी शरीर क्या हो जाती है, जो शरीर है तीनी कर, ये तीनों ही चीज़ें बैगही नाश, ये तीनों ही चीज़ों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। क्या है प्यारे बच्चों, पुनः देखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर गुरु वैद्य और आपका जो मंत्री है आपके डर के कारण आपसे प्रिय वचन बोल रहे हैं तो उनके इस प्रकार के कार्य और व्यवहार से मंत्री के कारण आपका राज नष्ट हो जाएगा, वैद्य के कारण आपका जो शरीर है और गुरु के कारण आपका जो धर्म है, यह तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके नष्ट हो जाएंगे। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला पद्यांश है हमारा, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलिन मौन, अब तो दादुर बोल रहे हैं हमसे, हमें पूछे ही कौन। अब यहाँ कहते हैं कि तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है उस समय जो कोकिलें होती हैं, जो कोयले होती हैं, वह मौन धारण कर लेती हैं और जो दादुर होते हैं, जो मेढक होते हैं, वही अत्यंत कलरव करते हैं, कलरव नहीं, वह अत्यंत ही शोर करते हैं, हमें पूछे ही कौन। अब इस समय हमें कौन पूछेगा, अर्थात यहाँ पर क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो जो कोयले होती हैं वह इसलिए मौन हो जाती हैं क्योंकि उनका कहना है कि अब तो जो दादुर हैं, जो मेढक हैं, वही बोलेंगे और हमारी जो मधुर ध्वनि है उसको अब कौन सुनेगा। यहाँ पे नीति परक व्याख्या यह होगी कि यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय, ठीक है, जिस समय जब जो दुर्जन लोग हैं, ठीक है, जो सज्जन नहीं हैं, वह लोग जब क्या कर रहे हों, आपस में बात कर रहे हों, तो उस समय जो सज्जन व्यक्ति है उस सज्जन व्यक्ति का मौन रहना ही उचित होता है क्योंकि अगर वह सज्जन व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उन दुर्जन व्यक्तियों को कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, वह अपनी ही बात को सच साबित करने में लगे रहेंगे। आई बात समझ में, आशा करता हूँ बच्चों पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार पद्यांश को देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहती हैं कि वर्षा ऋतु में जो कोयले होती हैं वह मौन धारण कर लेती हैं और वह कहती हैं कि अब तो दादुर बोलेंगे, अब तो मेढक बोलेंगे, अब हमारी जो ध्वनि है उसको कौन सुनना पसंद करेगा। इसकी नीति परक व्याख्या क्या थी, नीति परक व्याख्या यह थी कि जब जो दुर्जन लोग हैं वह जब आप बात कर रहे हों, जब दुर्जन लोग आपस में बात कर रहे हों तो उस दुर्जन व्यक्ति को कुछ भी समझाना व्यर्थ है, उस समय सज्जन व्यक्ति का यही उद्देश्य होना चाहिए कि वह चुपचाप मौन रहे और उनकी बातों को केवल सुने। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यह जो दोहावली मैंने आपको पढ़ाई वह आपको समझ में आ गई। तो बच्चों यही दोहावली का हमारा अंतिम पद्यांश था जिसे हमने अभी देखा। आशा करता हूँ दोहावली का यह जो अंतिम पद्यांश था वो आपको अच्छे से जो आपकी यह जो दोहावली थी संपूर्ण यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही
सिंपल व्याख्याएं थी, बहुत ही सीधी सीधी व्याख्याएं थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग आपको नहीं लगाना था। आशा करता हूँ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आई होगी और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी किया था। तो बच्चों अगर व्याख्या समझ में आई हो तो व्याख्या को लाइक करें, व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले बिल्कुल पहले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ कि आपको मेरी सारी व्याख्याएं समझ में आई होंगी। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अगले भाग में विनय पत्रिका की व्याख्या को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।